राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय विचार शक्ति। आज की कथा ऐसी है जो आपको राजा से रंक बना सकती है और रंक से राजा, क्योंकि विचारों की शक्ति बड़े ही प्रबल कही जाती है। आज आप जो विचार रखते हैं भविष्य में वह आपको एक नवीन ऊंचाई तक ले जाने वाला है, और आज का आपका एक ऐसा विचार भविष्य में आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। तो ऐसी एक दिव्य कथा आती है महाभारत में, क्योंकि कहा जाता है महाभारत का युद्ध सहज नहीं था, सरल नहीं था। अनेक योद्धा थे, अनेक किरदार थे, और हर किसी किरदार से आपको एक अलग शिक्षा सीखने के लिए मिलती है। तो ऐसे ही जब युद्ध आरंभ हो गया था, उस समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचते हैं, और वहां पर आगे जाकर अर्जुन देखते हैं कि एक विशाल सेना सम्मुख है। इस सेना में कौन कौन प्रमुख योद्धा सम्मुख है यह वह दूर से नहीं देख पा रहे थे। इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, आप मेरे रथ को लेकर दोनों सेनाओं के मध्य चलिए, क्योंकि मैं दूर से सभी को स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ, संतुष्ट होना चाहता हूँ कि दोनों ओर से कौन कौन से योद्धा युद्ध में पधारे हुए हैं, युद्ध में भाग ले रहे हैं। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है पार्थ, चलते हैं। तो भगवान रथ को लेकर दोनों सेनाओं के मध्य पहुँच जाते हैं। दोनों जने रथ के साथ सेना के मध्य पहुँचते हैं। भगवान श्री कृष्ण पार्थ के रथ को सेना के मध्य ले जाते हैं, और वहां अर्जुन क्या देखता है कि विपक्ष में उसके ही सब रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, पिता है, जिनके हाथों में वह पला बड़ा है, वह दादा नाना सब उसके विपक्ष में हैं। और वह विचार करता है तत्काल कि क्या इनको मारकर राज्य जो मैं प्राप्त करूंगा उसका सुख मैं प्राप्त कर पाऊंगा, क्या उस राज्य का भोग करने में मुझे आनंद प्राप्त होगा। जब ऐसा सोचते हैं, विचार करते हैं, कहते हैं कि यदि इनको मारकर मुझे राज्य प्राप्त होता है तो ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। ऐसा विचार करके वह रथ पर अपने तीर कमान फेंक देते हैं और रथ से नीचे उतर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि ये क्या युद्ध के क्षेत्र में अपने अस्त्र शस्त्रों को अर्जुन ने छोड़ दिया है, ऐसा क्या हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से जाकर पूछते हैं कि हे अर्जुन, क्या हुआ है मुझे बताओ, क्यों तुमने अपने अस्त्र और शस्त्रों को यहां छोड़ दिया है। क्योंकि युद्ध के क्षेत्र में यदि आपके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है तो शत्रु आपका तत्काल अहित कर सकता है, आपको कष्ट पहुंचा सकता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े क्रोधित हुए, कहते हैं, क्षत्रिय होकर भी कायरों जैसी बातें, युद्ध के क्षेत्र में आकर तेरा हृदय क्यों बदल गया है। युद्ध के क्षेत्र में जो क्षत्रिय है उसका तो मन, उसका जो हृदय है, उसका जो चित्त है, वह ऊर्जा से प्रफुल्लित हो जाता है, भर जाता है कि मैं युद्ध के क्षेत्र में हूं, लेकिन तू मना कर रहा है, क्या कारण है। तब अर्जुन कहता है कि हे मित्र, मैंने सोच लिया है, मैं अब नहीं लड़ूंगा। क्यों? जिस राज्य के लिए मैं अपने भाइयों, वृद्धों और संबंधियों की हत्या करूं, ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि ये अर्जुन, ये पार्थ, ये भ्रमित हो गया है कि युद्ध के क्षेत्र में अपने सम्मुख देखकर सोच रहा है कि ये स्वयं उन्हें मार रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब माया के वशीभूत हैं, ये सब संसार है, ये सब कालचक्र है, लेकिन मुझे अर्जुन को समझाना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें लीलाधर भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान की लीलाएं अनंत हैं, इसको सहज रूप में समझा नहीं जा सकता, तब भगवान शांति से कहते हैं, गंभीरता से बताते हैं, कहते हैं कि तू क्या है पार्थ, संसार क्या है, और तेरे आसपास जो भी हो रहा है वह सब क्या है, इसको विस्तार पूर्वक भगवान समझाते हैं, जिसको गीता का उपदेश कहा गया है, वह पार्थ को समझाते हैं, क्योंकि वह पार्थ के गुरु भी हैं, पार्थ के मित्र भी हैं और पार्थ के सखा हैं। तो अर्जुन को समझाते हैं भगवान, कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, तुझे मोह ने अपने कर्तव्य से च्युत कर दिया है, यानी हटा दिया है, भ्रमित कर दिया है, क्योंकि वास्तविकता में हम सब बार बार उत्पन्न हुए हैं, लाखों बार उत्पन्न हुए हैं, कई बार तुम्हारा जन्म हो चुका है, कई बार मेरा अवतार हो चुका है, अनेक बार हो चुका है, लेकिन तुम्हें वह सब याद नहीं है, मुझे सब कुछ याद है, इसी को माया कहते हैं। तो अनेक प्रकार से भगवान ने
18 अध्याय गीता के सुनाए हैं, जिसमें प्रभु ने देवीय संपदा, असुर संपदा, कर्म ज्ञान, ध्यान ज्ञान, हर प्रकार का ज्ञान अर्जुन को कराया है। और भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन भी अर्जुन को कराया, तब जाकर अर्जुन की आंखें खुली। वह हर प्रकार के माया के बंधन से मुक्त हो चुका था। तब वह रथ पर आता है, रथ पर कवच को धारण किया अपने गांडीव को हाथ में लेकर बड़े उत्साह और ऊर्जा के साथ कहने लगा कि हे श्री कृष्ण, मैं लड़ने के लिए सज्ज हूं, तैयार हूं, चलो अपनी सेना में वापस लौटते हैं और युद्ध का आरंभ करते हैं। तो ये है आपके जीवन की विचार शक्ति। एक विचार, एक सोच अर्जुन को रथ से उतार देती है और दूसरा विचार, दूसरी सोच उसको रथ पर आरूढ़ करके युद्ध के लिए तत्पर कर देती है। ऐसा ही है आपका जीवन, आपकी विचारधारा, आपकी सोच। यदि आप जीवन में कुछ विशेष करना चाहते हैं, उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, लोग केवल ख्यालों में ही सोचते हैं, लोग स्वप्न देखते हैं बंद आंखों से कि रोड से करोड़पति बन जाए, ऐसा नहीं है। स्वप्न देखें खुली आंखों से, उसको साकार करने के लिए आप निरंतर परिश्रम करते रहें और अपनी विचार शक्ति को आप बढ़ाते रहें, अध्यात्म के साथ उसको जोड़ें। केवल जीवन को तर्कों से नहीं जीता जा सकता, उनको व्यवहार में भी लाना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। अपने सदग्रंथों को पढ़कर हमें नए नए विचार आते हैं और वह विचार हमें जीवन में आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और भी ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे शेयर अवश्य करें। आनंदित रहिए। श्री राधे।